नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया कोड के साथ एक नया इंडिकेटर लेके आया हूँ। कोड को देखने से पहले मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ और मेरा कुछ रूल इस इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस इंडिकेटर का नाम है TWAP, टाइम वेटेड एवरेज प्राइस। आप लोगों ने तो सुना ही होगा इस इंडिकेटर का नाम, लेकिन ओरिजिनल इंडिकेटर में एक ही लाइन आपको देखने को मिलता है टाइम वेटेड एवरेज प्राइस में, लेकिन मैं जो कस्टमाइजेशन किया इसमें आपको दो लाइन मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा कुछ रोल है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं अपना रोल आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, फिर इसका कोडिंग देखेंगे। मेरा रोल है, जब मार्केट किस लाइन के ऊपर रहता है तो मैं मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश समझता हूँ, और जब मार्केट किस लाइन के नीचे रहता है तो मार्केट का सेंटिमेंट मैं बियरिश समझता हूँ। अब ये तो हो गया बुलिश एंड बियरिश सेंटिमेंट। अब मैं ट्रेड कैसे प्लेस करता हूँ? एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, दूसरी कैंडल भी रिजेक्शन ना लेते हुए ऊपर ही जाना चाहिए, तब मैं अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ। जैसे कि इस कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी और दूसरा कैंडल भी इसका ऊपर ही रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। और इसका टारगेट मुझे जब तक नहीं लगता है कि मार्केट अभी रिवर्स हो जाएगा तब तक मैं होल्ड करके रखता हूँ। ये हो गया बाय पोजीशन के लिए। बाय पोजीशन के लिए और एक कंडीशन है, अगर मार्केट इसके नीचे रहा है, यहाँ से नीचे रहा है, इसको क्लोजिंग करके ऊपर जा रहा है, तो मैं वेट करता रहता हूँ कि इस लाइन के नीचे से उस लाइन के ऊपर कब जाएंगे और वहाँ से फिर ऊपर की ओर जब जा रहा होता है, इस कंडीशन के साथ मैं अपना ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। सेल कंडीशन सेम, मार्केट जब इस लाइन के ऊपर से क्रॉसिंग करके इसके नीचे आता है और फिर एक कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, दूसरा कैंडल जो है रिजेक्शन ना लेते हुए नीचे की ओर आ रहा होता है, तो मैं इस दूसरे कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ सेल पोजीशन का। और वॉलेटाइल मार्केट से भी ये इंडिकेटर मुझे बसा लेता है। कैसे? मैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ मुझे किसे प्रोटेक्ट करता है वॉलेटाइल मार्केट से और अपना जो रूल है वो रूल कैसे एक्सीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैं बताया था एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी, दूसरा कैंडल भी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा बाइंग पोजिशन बना लिया था और इसके नीचे स्टॉप लॉस, और इस कैंडल में मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया था। और दूसरा ट्रेड ये देखिए, मार्केट ऊपर से इधर आ रहा है, आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ली इस डोजी पे, जैसे ही सपोर्ट लिया मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन बना लिया था और यहाँ तक मैंने होल्ड किया। और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट की शुरुआत ये था, तो कैंडल जो है मार्केट जब इस दो लाइन के बीचों बीच रहता है, इस लाइन के बीच बीच में जब मार्केट रहेगा और इस लाइन के आसपास में रहेगा, तो वॉलेटाइल मार्केट या सोपी मार्केट में समझता हूँ और मैं अपना कोई पोजीशन नहीं बनाता। इस मार्केट में देखिएगा, मार्केट जो है इस लाइन के दोनों लाइन के बीच बीच में रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग तो दी थी इसके पीछे, लेकिन ये रिवर्स भी ले लिया था, तो एक मेरे रूल के अंदर नहीं आता है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा, एक कैंडल भी इसके नीचे तो क्लोजिंग दी, लेकिन एक कैंडल जो है रिजेक्शन में आ गया था, तो अभी मेरा रूल में नहीं आया, तो वेट करता रहा। तो उस दिन जैसे मार्केट इस लाइन के दूर नहीं जा रहा था, तो मैं समझ गया कि मार्केट सोपीनेस है और मैं एक भी ट्रेड नहीं प्लेस किया। मेरा और एक रूल है, अगर कोई बहुत लंबा कैंडल बन जाता है इसके नीचे या फिर इसके ऊपर, तब भी मैं ट्रेड नहीं प्लेस करता हूँ। बहुत लंबा कैंडल पे मैं अपना ट्रेड प्लेस नहीं करता, जैसे कि एक कैंडल जरूरत से ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैं उस दिन सिर्फ मार्केट को अवॉइड कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, इस दिन भी ये जो कैंडल था बहुत लंबा कैंडल आके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो अपना रूल में ये फिट नहीं हो रहा था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। जैसे कि इसके ऊपर तो जा रहा था, एक कैंडल जो है क्लोजिंग तो दी थी ऊपर, लेकिन तुरंत ये रिजेक्शन ले लिया, तो उस दिन भी मेरा ट्रेड नहीं बना क्योंकि मेरा रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, इसमें अपना रूल फॉलो होता है। यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी और एक कैंडल जो है ऊपर ही जा रहा था, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड, मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर लिया था बाइंग पोजिशन का। और
पीछे अगर चलेंगे तो आप देखिएगा इस लाइन के नीचे से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। जाके जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी और मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे ले ली थी और इस कैंडल तक मैंने होल्ड किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ठीक इस तरह की सेटअप जो है बेहतरीन सेटअप रहता है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट इस लाइन के नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इस तरह की ट्रेड ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट ऊपर से इस लाइन के ऊपर से आ रहा था, एक कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल रिजेक्शन तो ली थी लेकिन मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर लिया था क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये ऊपर से आ रहा है तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर लिया था। अगर आप बैक टेस्टिंग और देखेंगे तो आपको इस तरह की जो रूल मैंने बताया मेरे लिए अच्छा खासा फिट होता है, लेकिन आपको मेरे कहने के बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। पहले आपको लाइव मार्केट में इसको देखना है और मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, तो मेरे कहने के ऊपर आपको किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ इस वीडियो का मकसद है कैसे ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म में पाइनियर रिटर्न में कोड लिखा जाता है इसको दिखाना, तो चलिए कोडिंग की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा एक सिंपल सा कोड है, यहाँ पे मैंने जो है एंकर ये जो है टाइम फ्रेम चूज करने के लिए मैंने रखा, यूज़र इनपुट मैंने बाय डिफॉल्ट 1 डे किया और यहाँ पे कुछ बुलियन लिया, हाँ इज लास्ट शो लास्ट इज लास्ट और ए बुलियन का ज़रूरत नहीं है, इसको ओमिट कर लेता हूँ। बहुत सिंपल कोड है और बस इतना, यहाँ पे जाके कुछ कैलकुलेशन किया, हाँ जैसे कि आपको पता है TWAP यानी कि टाइम वेटेड एवरेज प्राइस का फॉर्मूला है सम ऑफ प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे जाके मैंने कुछ कस्टम कैलकुलेशन की अपना हिसाब से और यहाँ पे भी कुछ कस्टम कैलकुलेशन की और दोनों कैलकुलेशन को यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिया। और अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर ए, अगर इसका सेटिंग आप देखेंगे तो इनपुट में आता है ये ट्रेंड पीरियड, मैंने बाय डिफॉल्ट 1 डे रखा और यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो ओनली लास्ट पीरियड, अगर इसको आप टिक कर देंगे तो आप देखिएगा जो पीछे की मार्केट में जो लाइन दिखा रहा था वो दिखाना बंद हो जाएगा, ओनली लाइव मार्केट में ये दिखाते रहेगा। और ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब हो गया ऑफसेट को बाय डिफॉल्ट 0 रखना है। और स्टाइल में अगर जाएंगे तो आपको इस तरह की अपर और लोअर, यानी कि आप अपर को अपना हिसाब से कलर आप बना ले सकते हैं और लोअर को भी अपना हिसाब से आप कलर बना ले सकते हैं इस तरह से। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इसकी कोडिंग के ऊपर कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका कोडिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म में पाइन एडिटर सेक्शन में आके पेस्ट करके आप एड टू चार्ट कर लीजिएगा तो आपको इस तरह की दो लाइनें मिल जाएंगी।